जोगी नवादा में एक समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर मकान बेचने के नोटिस चस्पा कर दिए। बरेली, जोगी नवादा में दो बार हुए बवाल के बाद मंगलवार को विशेष समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर मकान बेचने के नोटिस चस्पा कर दिए हैं। वहां रहने वाले एक समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। बगैर गलती के पुलिस प्रशासन उन पर कार्यवाही कर रहा है। इसके साथ ही प्रशासन भी उनका साथ नहीं दे रहा है, जिस कारण वह लोग अपने मकान बेचने को मजबूर हैं। आने वाले समय में हालात और बुरे हो सकते हैं। वह नहीं चाहते कि उनके बच्चों की जान खतरे में पड़े। अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए लोगों ने अपने घरों पर हाथ से लिख रखा है कि वह अपना मकान बेच रहे हैं। थाना बारादरी क्षेत्र की शाहनूरी मस्जिद के अलवी चौराहे आसपास विशेष समुदाय के दर्जनों घरों के बाहर लोगों ने अपने मकानों पर "यह मकान बिकाऊ है" लिख रखा है। पीछे को अरे फालतू बात है, इन्हें नहीं पता ना। चलो उधर भैया घर गया, पता नहीं है भैया। साहब कर लूंगा भैया, आप लोग मकान बेच के जो है प्लान करने के क्या करें? क्या नाम है आपका? ये सर, मेरा नाम आबिद हुसैन है। हाँ, आपके मकान पे लिखा है कि मकान बिकाऊ है, क्या वजह रही, क्या कारण है कि ऐसा लिखना पड़ा? पलायन करने के लिए तैयार हो गए हैं आप लोग? ये सर, ऐसा है, एसएसपी प्रभाकर चौधरी साहब ने फैसला किया था, ठीक है, और उस फैसले को रद्द कर दिया, उसको नहीं माना गया। उन्होंने फैसला अच्छा किया हो, अच्छा किया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी वो फैसला नहीं माना। और दूसरी बात, जिस चीज़ की अनुमति बिल्कुल नहीं है निकालने की। किस चीज़ की अनुमति नहीं है? यही कावड़ियों वगैरह, ये छत्ता है, यहाँ से इस रोड से उनके निकालने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी जोर जबरिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। हमें विरोध नहीं है इनसे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर उसकी परमिशन है बेशक आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, परमिशन है तो बिल्कुल आए। और यहाँ पर सर चार आदमी करते हैं, चार हजार भरते हैं, सबको परेशान कर रखा है, सबके किवाड़ों पर लाते मारी जाती हैं, करता हुए साहब भरता हुए जाने कहाँ कहाँ से बाहर के आते हैं, करके चले जाते हैं, और हम यहाँ पर रहने वाले हैं, हमें यहाँ परेशान किया जाता है। तो क्या इस वजह से पलायन कर रहे हैं आप? जी, बस यही दिक्कत है, बाकी हमें कोई परेशानी नहीं है। और योगी सरकार से मैं अपील करूँगा, अपने उनसे दिल से प्रार्थना करूँगा कि इस माहौल को जल्द से जल्द सुधारें और ठीक करें। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम तस्लीम है भाई साहब। ये आपने कुछ मकान पे लिखा है कि मकान बिकाऊ है, क्या वजह रही, क्या कारण रहे ऐसे कि आपने ये फैसला लिया? भाई साहब, यहाँ पे जो अभी दो दिन पहले दंगा होने का चांस था, एसएसपी साहब ने उसको टाल दिया, किसी भी तरह से अपनी जान जोखिम में डाल के अब उनको हटा दिया गया। इस पर भरोसा करें? अब जो हमने आज सुबह अखबार में पढ़ा कि कावड़ निकलेगी, भब्बे निकलेगी, तो भाई करता कोई है, भरता कोई है, हम लोग क्यों पिसेंगे? हम यहाँ से बेच के प्लान कर जाएंगे, फिर यहाँ चाहे गंगा बनाना, जपना बनाना, मंदिर बनाना, जो दिल चाहे वो बनाना, बस हम यहाँ से प्लान कर जाएंगे। हमने 30-40 साल से 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे माँ बाप यहाँ के रहने वाले, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि आज निकल गई, कल निकल गई, परसों निकल गई, फिर बीजेपी के नेता आएंगे, फिर उसको जो दंगा शांत हो गया उसको भड़काने के लिए कहेंगे भब्बे निकलेगी, अखबारों में छाप दिया, तो पब्लिक कहाँ जाए भाई? कोई तो दिखता नहीं ईमानदारी की बात करने वाला। ईमानदारी की बात एसएसआई ने की थी, उनको ट्रांसफर कर दिया, साफ दिख रहा तमंचा चल रहा है, साफ दिख रहा है, बिल्कुल काबड़ में जो लोग यहाँ पे बीजे के पास में साफ दिख रहा तमंचा चल रहा है, ठीक है, तो वो उनको मतलब उन्होंने रोका, रोकने की कोशिश करी, हल्का सा प्रयोग किया, लेकिन उसको दंगा भड़काने के लिए उनको हटा दिया गया। अब दंगा भड़काने के लिए बीजेपी के नेता आ गए कि भब्बे निकलेगी, यहीं से निकलेगी, तो भाई हमारे अंदर भी जान है, हमारे अंदर भी दिल है, यहाँ से हट के चले जाएंगे, कहीं चैन की ज़िंदगी गुजार लेंगे, ज़रूरी नहीं हम यहीं पे मतलब यहीं पैदा करेंगे, यहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दो चार लोग लड़ते हैं, हमें हमेशा यही होता है, दो चार लोग का